हेलो स्टूडेंट्स, काव्य मंजरी से एक फूल की चाह पाठ को पढ़ाया जाएगा। यह कविता सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा लिखा गया है। तो पहले मैं संक्षेप में कवि परिचय बताऊंगी। आधुनिक हिंदी साहित्य में गांधीवादी विचारधारा के पोषक कवि सियाराम शरण गुप्त जी राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के छोटे भाई थे। गुप्त जी महात्मा गांधी और विनोबा भावे जी के विचारों के अनुयायी थे। क्लियर। इन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों तथा रूढ़ियों पर करारी चोट की है अपनी रचनाओं में। इनकी रचनाओं में सत्य, अहिंसा, करुणा, विश्व बंधुत्व, इन सब की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। इन्होंने कथात्मक, भावात्मक और विचारात्मक सभी प्रकार की कविताओं का प्रणयन किया है। क्लियर। अब इस कविता में यह कविता किस पर आधारित है तो ये बताऊंगी। यह कविता छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। इसमें सियाराम शरण गुप्त जी ने समाज के अछूत माने जाने वाले एक व्यक्ति की व्यथा का चित्रण किया है। चलिए देखिए। नाउ सी, इस पद में बताया गया है कि महामारी फैलने के कारण एक पिता अपनी पुत्री सुखिया को बीमारी से बचाने के लिए बाहर जाने से रोकता है। सी ऑल ऑफ यू, बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। इसमें यह बताया गया कि सुखिया का पिता कहता है कि वह अपनी पुत्री सुखिया को बाहर खेलने जाने को मना कर रहा है, रोक रहा है, लेकिन नहीं खेलना रुकता उसका। उसका बाहर खेलना नहीं रुकता था, वह क्षण भर के लिए भी घर में नहीं रुकती थी। और यह सब देखकर मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे। उसे जब बाहर जाता हुआ देखता था, उसे खेलता हुआ देखता था, तो सुखिया के पिता का मन भयभीत हो जाता था। वह बुरे आशंका से कांप उठता था और यही मनाता कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे, और ईश्वर से यह प्रार्थना करता था कि इस महामारी की चपेट से अपनी पुत्री सुखिया को वह बचा ले। क्लियर। नेक्स्ट पर इसमें बताया गया है कि सुखिया बाहर खेलने गई, जबकि उसके पिता उसको मना भी किए, लेकिन वह मानी नहीं और बुखार की चपेट में आ गई। और उसके मन में उसी बुखार के दौरान देवी के फूल पाने की उत्कट अभिलाषा हुई। देखिए, भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया, एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। जिस बात का सुखिया के पिता को डर था, वही डर सामने आया, वही बाहर आ गया। क्या कि एक दिन सुखिया के शरीर को उसने ताप तप्त पाया, अर्थात वह बुखार से पीड़ित हो गई, वह ज्वर से पीड़ित हो गई। ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानू किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। अर्थात एक दिन जब सुखिया के पिता ने देखा कि वह बुखार से तप रही थी और बीमारी से पीड़ित बिटिया न जाने किस अनजाने भय से भयभीत होकर पिता से अपने कहने लगी कि उसको देवी के प्रसाद का एक फूल ही ला करके वह उसे दे दे। क्लियर। नेक्स्ट पद सी, क्रमशः कंठ छीड़ हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय का, चिंता में मैं मन मारे। उसकी बेटी के ज्वर से ग्रसित होने के कारण उसका स्वर छीड़ हो गया तथा शरीर के अंग भी, अवयव मीन्स अंग, शरीर के अंग भी ढीले अथवा कमजोर होने लगे, अर्थात उसके शरीर के प्रत्येक अंग में दुर्बलता आने लगी थी, क्योंकि वह तेज ज्वर से पीड़ित थी। और उसका पिता चिंतित होकर नए नए उपाय के बारे में सोच रहा था कि किस प्रकार
अपनी बेटी को उस महामारी से वह बचाए। नेक्स्ट, जान सगाना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब लौटी संध्या गहरी। वह अपनी बेटी की चिंता के कारण इतना व्यथित हो चुका था, इतना दुखी था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब प्रातः काल हुआ, कब सूर्योदय हुआ, और हलचल से भरी सुबह हुई, और कब आलस्य से भरी दोपहरी आ गई, तथा कब घनी संध्या हो गई, और कब सुनहरे सूर्य रवि सुनहरे रंग के बादलों में छुप गया। क्लियर?